दोस्तों एडमिशन तो स्टार्ट हो चुका है और जिन बच्चों का कंपार्टमेंट में रिजल्ट आया है उनका भी एडमिशन बहुत ही आसानी से हो सकता है। और अगर आपको उसी स्कूल में करवाना है, मान लीजिए जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो क्लास 10 तक ही पढ़ाई होती है, ठीक है, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो 12 तक पढ़ाई होती है। अब जो भी बच्चा क्लास 10 वाला है, अगर वो 10 पास कर लिया कंपार्टमेंट, तो उसको बहुत ही आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। वो परेशान ना हो कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, अभी फाइनल मार्कशीट आने का इंतजार करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उम्मीद है कि फाइनल मार्कशीट विद इन 10 डेज आपके पास आ जाएगी और आपका जो एडमिशन है उसी रिजल्ट से, जो रिजल्ट आपका एक सब्जेक्ट का आया या दो सब्जेक्ट का आया है, आप उसी रिजल्ट से अपना एडमिशन करवा सकते हो। बाकी दोस्तों, क्योंकि आपके स्कूल को पता है कि आपको एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया था और उनके पास फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो भी मौजूद है आपके स्कूल में, और जो आपका रिजल्ट है आया नेक्स्ट, ये वाला लेटेस्ट रिजल्ट जो आया है एक या दो सब्जेक्ट का पास वाला, वो भी उनके पास है, ठीक है। तो आप आराम से जाओ, एडमिशन करा लो, कोई डॉक्यूमेंट्स और ले जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी दूसरे स्कूल में जा रहे हो तो आपको करना क्या है, TC बनवाना है आपको, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, आपको TC बनवाना है। तो TC बनवा करके आप अपना रिजल्ट ले जा करके कहीं भी अपना एडमिशन करवा सकते हो। और जहां तक रही मार्कशीट की बात कि एक साथ सारे सब्जेक्ट का आपका शो जहां पर करेगा, तो दोस्तों विद इन 10 डेज आप मान के चलो कि जो आपकी मार्कशीट है वो आपके स्कूल तक आ जाएगी, जो आप अपने स्कूल से ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे बच्चों का लगभग एडमिशन हो गया होगा, और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ जरूर से कमेंट करके बताएं क्या परेशानी आ रही है। और दोस्तों अपने स्कूल से आप बात करें, और एडमिशन लगभग स्टार्ट हो गया हर स्कूल में और रजिस्ट्रेशन भी दिन में स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। बाकी कोई अपडेट आएगी मैं आपको जरूर से आपको दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।